नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। राजनीति, सत्ता, सियासत और विरासत, ना जाने कब किन के हाथ लग जाए, ना जाने कब किन से दूर चला जाए। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में खगड़िया के पूर्व सांसद रह चुके स्वर्गीय राम शरण यादव के पौत्र यानी भरत यादव के पुत्र हैं सुशांत यादव, जो राजनीति में काफी सक्रिय हैं। राजनीति से गहरा नाता रहा है, लेकिन राजनीति में आज भी बने हुए हैं। आज भी उनकी धर्म पत्नी कुमारी श्वेता भारती खगड़िया के जीप अध्यक्ष हैं, और इससे पूर्व में भी उनकी माँ भी खगड़िया की जीप अध्यक्ष रह चुकी है, और वर्तमान में अब उनकी माँ नहीं है, स्वर्गवास हो चुकी है। लेकिन जो राजनीति से गहरा नाता रहा है, राजनीति के उन दरिया में जो डुबकी लगाने का तजुर्बा रहा है, पहले सुशांत यादव के पिता जो भरत यादव हैं, वो भी बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, जो चौथम विधानसभा हुआ करता था, वर्तमान में जो बेलगौर विधानसभा है वहां से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और काफी अच्छे खासे टक्कर भी दिया उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार होकर। इस बार 2020 है और इस 2020 के चुनावी अखाड़े में कूद रहे हैं सुशांत यादव। हम आपको अगले रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि सुशांत यादव किन विधानसभा से इस बार ताल ठोकेंगे और किन पार्टियों से चुनाव लड़ने के जुगत में हैं। सभा चुनाव में किन के सर सेहरा होगा, देखना लाजमी है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको पूरी रिपोर्ट कि सुशांत यादव का जो अपने दादा के समय से लेकर अब तक के जो राजनीतिक करियर है, और इस राजनीतिक करियर में कई बार उतार और चढ़ाव भी इन्होंने देखा है, और इसके साथ ही साथ राजनीति जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है, जरा देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। सन 1985 स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उस वक्त सुशांत यादव की उम्र महज 6 वर्ष का नन्हा बालक था। अपने घर के नजदीकी बूथ को देखने गया था कि आखिरकार वोट कैसे डाला जाता है। उस समय मानसी की दरोगा नाम रेखा पांडे से बूथ पर कहा सुनी हो गई थी, क्योंकि इस वक्त स्वर्गीय रामाशरण यादव यानी सुशांत यादव के दादाजी खगड़िया के विधायक हुआ करते थे और लोकदल की टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे थे। सुशांत के दादाजी 1977 से 1985 तक लगातार खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 1985 के चुनाव में महज 500 मतों से ही हार उन्हें उठानी पड़ी। सन 1989 ईस्वी पुनः जनता दल के गठन के साथ खगड़िया लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए, और अपने दादाजी के प्रिय होने के नाते 1989 और 1991 के मध्यवर्ती चुनाव में दादाजी के साथ क्षेत्र दौरा किया और राजनीति के अथाह सागर में समाते चले गए। चूंकि उनके दादाजी 1989 से 1996 तक खगड़िया के सांसद रहे, उस दौरान अपने दादाजी के साथ सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे थे सुशांत यादव। सन 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पिताजी भरत यादव को तत्कालीन चौथम विधानसभा वर्तमान में जो बेलदौर विधानसभा कहलाता है वहां से चुनाव लड़वाया और 28,000 मत प्राप्त हुए। एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते 28,000 मत उनके लिए एक महत्वपूर्ण होता है। सन 2006 के पंचायती चुनाव में अपनी माता स्वर्गीय सुशीला देवी को जिला परिषद का चुनाव जीतवाया। उस समय जिले के मंत्री से लेकर कद्दावर नेता विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद अपनी मां को जीप अध्यक्ष बनाने में सफल रहे, जिससे प्रभावित होकर रामविलास पासवान ने सन 2010 में उनकी मां को खगड़िया विधानसभा से राजद लोजपा का उम्मीदवार बनाया। उस समय के चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी। सन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी नहीं मिलने पर उन्होंने लालू यादव के साथ महागठबंधन को खगड़िया के सभी सीटों पर साथ दिया। सन 2016 के पंचायती चुनाव में अपनी पत्नी कुमारी श्वेता भारती को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 यानी मानसी प्रखंड से चुनाव लड़वाया, और उस समय की निवर्तमान जीप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद की प्रत्याशी हुआ करती थी, उनको भारी मतों से हराकर अपनी पत्नी को जीप अध्यक्ष बनाने में सफल रहे सुशांत यादव।
सुशांत यादव का राजनीति से चोली दामन का नाता रहा है। इस बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन से उम्मीदवारी मिलती है तो खगड़िया या बेलदौर विधानसभा से चुनावी अखाड़ा में पूरी दमखम के साथ कूद सकते हैं। तो ये रहा आज व्यक्ति विशेष में सुशांत यादव की राजनीतिक सफर की दास्तां, और हम फिर मिलेंगे अगले किसी व्यक्ति विशेष के साथ उनकी अनसुनी कहानियों के साथ।